तुम किससे बचा रहे हो? इसे, इस जावेद को। कौम जानते हो क्या है? कौम निशानी, आइडेंटिटी, जो पैदा होती लग जाती है उनके अंदर। इस जावेद के बहुत अंदर, इसके रगों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के पड़ती है, और बदकिस्मती से इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा हुआ है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, सैकड़ों रातों मार जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। और ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो के बीच की बात नहीं है, मेजर ये पूरे कायनात की बात है। इसलिए सर, जो तुमने मिट्टी में दस्ता रखा ना, शुतुर मुर्ग की तरह से बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, सब समझ जाओ। हर तारीख पर इनके मौसमी मजहब, इनके आतंक की मोहर लगी हुई है, और तारीख को साफ करना मुझे आता है, वही कर रहा हूं, सफाई। इनसेंट, AK-47 लेके घूमते हाथों में लॉलीपॉप की तरह, इनसेंट बच्चे नहीं है वो। टाइम में सारे आतंकवादी के पिल्ले हैं, और तुम्हारे लिए जो नेसेंट है, मेरे लिए अनुशासन है, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, मेजर तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो हजारों हथौड़ की फौज खड़ी कर सकता, और करूंगा मैं, इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दिमाग को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनुकर रेप न हो, चीख रही थी वो सुबह शाम रात दिन, मुझे वो चीख सुनाई देती, इसीलिए मैंने रातों से कहा खत्म कर दो सालों को, गोली मार दो, जो बच्चे पूरे रास्ते में खत्म कर दो, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर बिहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे। लोअर करना है तो इनके कौम का सफाई करो, दैट्स व्हाट वी वांट।